उच्च विद्यालय चापरहाट में विद्यालय के संस्थापक महावीर सिंह की जयंती मनाई गई। डंगरा प्रखंड क्षेत्र के महावीर सिंह मंदरौनी इंटर स्तरीय विद्यालय चापरहाट में विद्यालय की स्थापना दिवस के अवसर पर संस्थापक महावीर सिंह की 120वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर स्वर्गीय महावीर सिंह के पुत्र श्री कृष्णानंद सिंह एवं विद्यालय के प्रभारी प्रधानाध्यापक अरुण कुमार सिंह के अलावे दर्जनों शिक्षक शिक्षिकाओं एवं छात्र छात्राओं ने विद्यालय स्थित उनके आदमकद प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षाविद एवं पंचायत के पूर्व मुखिया रघुवंश प्रसाद सिंह राकेश ने की। इस अवसर पर शंकर प्रसाद सिंह, प्रभात कुमार सिंह, अर्जुन गुप्ता, सूर्य किशोर मंडल आदि अन्य भी मौजूद थे। संगीन मामले में फरार चल रहे अभियुक्त को रंगरा पुलिस ने किया गिरफ्तार। रंगरा पुलिस ने भवानीपुर गांव में छापेमारी कर गांव के ही विमलेश रविदास को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए कहा कि गिरफ्तार अभियुक्त संगीन मामले में आरोपी है, जिसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। दस लीटर देशी शराब के साथ एक गिरफ्तार। रंगरा पुलिस ने ज्ञानी दास टोला में छापेमारी कर 10 लीटर देशी शराब के साथ जितेंद्र मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। रंगरा के थानाध्यक्ष महताब खान ने कहा कि शराब बरामदगी मामले में रंगरा थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है, तो दूसरी तरफ गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। शराब के नशे में महिला के साथ छेड़खानी करने के आरोप में एक गिरफ्तार। रंगरा थाने में दर्ज की गई प्राथमिकी। रंगरा सहायक थाना क्षेत्र के सधुआ चापर गांव में शराब पीकर एक महिला के साथ छेड़खानी कर रहे एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना की बाबत रंगरा थाने में एक प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है। गिरफ्तार आरोपी गांव का ही 50 वर्षीय अरुण सिंह है। महिला ने लिखित आवेदन देकर कहा है कि वह घर के पास ही बकरी को चारा दे रही थी। इसी क्रम में शराब के नशे में धुत होकर अरुण सिंह वहां पर आया और गलत नियत से उसका हाथ पकड़ने लगा। महिला ने कहा कि उसने अरुण सिंह के हाथ को झटक दिया और हल्ला करने लगी। इसके बाद वह भाग कर सड़क के तरफ चली आई। हो हल्ला सुनकर मौके पर पुलिस और कई ग्रामीण पहुंच गए। फिर ग्रामीणों के सहयोग से पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। रंगरा के थानाध्यक्ष महताब खान ने कहा कि मामले की छानबीन की जा रही है, तो दूसरी तरफ गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।